आई एम शोभा एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल शोभाज कुजिन। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्विक एंड इजी रेसिपी ऑफ शाही टुकड़ा लोडेड विथ रबड़ी। शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 स्लाइस, उनको ट्रायंगल शेप में काट लिए हैं। ये है चीनी, ये है कप पानी का, और ये रबड़ी, और ये नट्स, और ये दूध। आइए शुरू करते हैं ब्रेड को फ्राई करना। मैंने घी गरम करने को रख दिया है, इट इज ऑयल। ब्रेड को हमको अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसको ब्राउन कलर करना है। ब्रेड को थोड़ा सा कलर देना है। ब्रेड कड़क होती जा रही है, कलर आ रहा है, और हम इसको एक एक करके निकाल देंगे। कलर आ गया है, अब बाकी के पीसेस भी हम लोग इसमें निकाल के फिर डाल देंगे। आइए बाकी के पीस को भी हम लोग तल देंगे। दूसरे पीसेस भी हमारे हो गए हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। अब ब्रेड लो फ्लेम कर देंगे। अब हम दूसरा पैन चढ़ाएंगे और हम चाशनी बनाएंगे। रख दिया है, अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए हमें चाहिए 1 वाटी पानी की, और हम उतनी ही शक्कर डालेंगे, और 2 इलायची डाल देंगे फ्लेवर के लिए, और इसको हिलाते रहेंगे जब तक पूरी तरह से शक्कर मेल्ट ना हो जाए। अच्छी तरह से हमको पानी में शुगर को मेल्ट करना है और अच्छा उबाल देना है। शुगर मेल्ट हो रही है, चाशनी बन रही है। हमको 2 तार वाली चाशनी बनानी है, थोड़ी चिपचिप होनी चाहिए, उससे हमारा ब्रेड अच्छी तरह से सोक होएगा। पानी उबल रहा है, अभी हमको अच्छी तरह से मेल्ट करना है। चाशनी को मैंने 5 मिनट ढक के रखा है। चाशनी को दौरदार की चाशनी बनानी है, इसलिए मैंने उसको ढक के रखा है। आइए देखते हैं चाशनी के क्या हाल है। चाशनी को हमें थोड़ा गाढ़ा करना है। चाशनी चिपचिप हो रही है, इसका मतलब चाशनी बन रही है। अब चाशनी को 5 मिनट हम ढक के रखेंगे और उसको थोड़ा सा और पकने देंगे। चाशनी बनने वाली है, अब हम गैस को करते हैं बंद और 5 मिनट में देखते हैं कि हमारी चाशनी हो रही है कि नहीं। चाशनी बिल्कुल सही बन गई है, और अब गैस को करते हैं बंद। चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर हम डालेंगे ब्रेड। अब हमारी चाशनी ठंडी हो गई है, और अब हम 5 मिनट में इसमें सब टुकड़े डाल देंगे। पहले हम आपको बता दें कि ये है रबड़ी। ये जो रबड़ी है वो मैंने 1 लीटर दूध की बनाई हुई है, इसमें 4 इलायची डाले हुए हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। इसकी बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। आइए डालते हैं इसमें शाही टुकड़े। अब शाही टुकड़े हमने इसमें डाल दिए, ब्रेड के पीसेस, अब इसमें हम निकाल देते हैं। हमने और 4 पीस डाल दिए हैं,
और इसमें डिप करेंगे और बाहर निकालेंगे। टुकड़े इसमें निकाल देंगे। आइए इसके ऊपर रबड़ी डालते हैं और हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आइए इसको गार्निश करते हैं रबड़ी से। इसके ऊपर डालेंगे नट्स। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि अगर आपको रबड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई